हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं उन सभी लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ जो ये सोचते हैं कि शायद सिर्फ रीड करने से या कोई चीज पढ़ते रहने से ही हमें वो चीज आ जाएगी। आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि अपने लैपटॉप पे, अपने आईपैड पे, अपने टैबलेट्स पे या मोबाइल्स पे हम बच्चे हमसे कहते हैं कि भाई हम तो इस पे रीड कर रहे हैं सर, या अपने पेरेंट्स को बोलते हैं इस पे रीड कर रहे हैं। मैथ्स भी मैं देखता हूं आजकल हम रीड करते हैं, साइंस भी हम रीड करते हैं, या कोई और भी सब्जेक्ट्स, कुछ भी ऐसा हो हम उसको रीड कर लेते हैं। अरे रीड करने से नहीं होगा यार, पेन चलाओ, कॉपी पे लिखो। अच्छा, इसके पीछे सिर्फ हम कह नहीं रहे कि सिर्फ कॉपी पे लिखो या पेन चलाओ, इसके पीछे पूरी एक साइंटिफिक स्टोरी है। आज से कुछ साल पहले एक ऐसा पेशेंट आया जिसे हम कहते हैं HM पेशेंट। इस केस ने न्यूरोसाइंस के अंदर हमें मेमोरी के बारे में बहुत कुछ समझाया। मेमोरी यानी कि याददाश्त, वो चीज जो हमें कोई भी याद करने में, कुछ भी याद करने में, कुछ भी बार बार उसको याद करके रिट्रीव करने में हेल्प करती है। अक्सर मैं कहता हूं बच्चे मुझसे पूछते हैं कि नहीं सर हम इसको याद कैसे रखें, हम भूल जाते हैं। तो भूल क्यों जाते हो? याददाश्त मेमोरी के बारे में ये वीडियो है। भूल क्यों जाते हो? ऐसा तो नहीं है अपने घर का एड्रेस भूल जाते हो या रोज जाके चेक करते हो कि ये मेरा ही घर है? या जिस भी स्कूल में आप हो या कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप जाते हो तो ऐसा क्यों होता है कि जब पहले दिन आप जाते हो तो आप रास्ता पूछते हो, गूगल पे चेक करते हो, पर जब कुछ दिन हो जाते हैं तो आप आराम से वहां तक पहुंचने के कई रास्ते ढूंढ लेते हो। मोबाइल पे बात करते हुए जाओगे ना तो भी सही पहुंच जाओगे, ऐसा क्यों होता है? अब जरा इसको समझते हैं बच्चों। HM पेशेंट एक नौजवान, बचपन में एक चोट की वजह से उसके सिर पे चोट लगी, उसकी वजह से उसको फिट्स आने लगे, सीजर्स आने लगे, दौरे पड़ने लगे। वो दौरे इतने सिवियर हो गए, इतने उसके लिए बहुत भारी पड़ गए कि उसके डॉक्टर ने उसको सर्जरी करके निकालने की कोशिश की। उस जमाने में उसके डॉक्टर, डॉक्टर स्कोविल, खैर नाम से आपको मतलब नहीं है, एक बहुत ही फेमस न्यूरो सर्जन रहे, उन्होंने चेक किया कि उनके ब्रेन के कुछ खास पार्ट्स में हाइपर एक्टिविटी है। जब दौरे पड़ते हैं और ब्रेन के कुछ खास पार्ट में हाइपर एक्टिविटी है तो उन्होंने ब्रेन के उस हिस्से को रिमूव करने का फैसला लिया। वैसे उस ब्रेन के उस हिस्से को हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस, बट नाम से फिर अगेन कोई मतलब नहीं है, बट आप एक चीज समझिए, हिप्पोकैम्पस उन्होंने रिमूव कर दिया। आफ्टर सर्जरी हर चीज नॉर्मल थी, वो 20-22 साल का नौजवान बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया था, तो उसको दौरे नहीं पड़ रहे थे, कम हो गए थे। बट एक अजीब सी बात थी, डॉक्टर स्कोविल ने ये नोट किया, वो नई याद, नई मेमोरी नहीं बना पा रहा था। यानी कि अगर वो आपसे मिलता तो 10 मिनट बाद आपको भूल चुका होता, वो ये भूल चुका होता कि उसने आपको देखा है या वो आपसे मिला है। कितनी लाचार जिंदगी थी। सोचो यार, अगर हम याद ही नहीं रख पा रहे, हम सब कुछ भूल जा रहे हैं, कितनी बेकार, कितनी लाचार जिंदगी हो सकती है। सारी इंटेलिजेंस कि सारा हम कहें दिमाग, IQ कहीं ना कहीं मेमोरी से लिंक होता है, याद रखने पर निर्भर होता है, और वो नई मेमोरी नहीं बना पा रहा था। ये अजीब सी दिक्कत हो गई थी उसके बिहेवियर में। रोज सुबह उठता बट अपने आप को शायद शीशे में नहीं देख पाता, क्योंकि उसके लिए तो वो हमेशा ही, वो 20-22 साल का नौजवान था, वो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा था, उससे आगे की मेमोरी नहीं बन रही थी। तो हमें यह मालूम पड़ा कि हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का, हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जहां पर सबसे पहले वो शॉर्ट टर्म मेमोरी बननी शुरू होती है। बट अब देखो, यहां से एक इंटरेस्टिंग बात हमें मालूम पड़ती है। एक और डॉक्टर, डॉक्टर ब्रेंडा मिलर, और नाम फिर कोई ऐसा इशू नहीं है, डॉक्टर ब्रेंडा मिलर उनके पास आई, वो रोज उनसे मिलती थी, बट फिर भी HM को वो याद नहीं था कि वो उनसे पहले मिला है, क्योंकि नई मेमोरी नहीं बन रही थी। उन्होंने एक अजीब सी बात करी, उन्होंने उनको बोला, HM को बोला कि एक इमेज देख के आप स्टार की फॉर्म बनाइए। HM ने बनाई,
जैसा कि अक्सर हम सबके साथ होता है, जब हम कोई चीज पहली बार करते हैं तो इतना अच्छा नहीं हो पाता। उनसे भी अच्छा नहीं बना, बट 3-4 दिन के बाद उनके इस वर्क में इंप्रूवमेंट आने शुरू हुई। अब ध्यान देने वाली बात यह है, उनको यह नहीं पता था कि वो ये स्टार पहले भी बना चुके हैं। एचएम को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था, वो नई मेमोरी नहीं बना पा रहे थे, बट स्टिल उनके वर्क में इंप्रूवमेंट थी। इसका मतलब यह है कि वो जो एक्शन कर रहे थे वो मेमोरी बन रही थी। क्लास 6 में या उससे भी छोटे बचपन में अगर साइकिल चलानी सीखी थी तो आज भी याद है 6 क्लास में क्या पढ़ा था, शायद वो भूल गए। बच्चों ये हाथ चलाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। मिस्टर एचएम, इनका पूरा नाम हेनरी मुलायसन, 2008 में इनकी डेथ हुई, बट ये हमारे लिए बहुत कुछ कर गए, हमें मेमोरी के बारे में बहुत कुछ बता गए। और समझो उनकी उस बात से जो उनका स्टार बनाना डे बाय डे इंप्रूव हो रहा था, प्रैक्टिस से हमारा भी इंप्रूवमेंट होगा। इस साइंटिफिक बात से, साइंटिफिक केस से ये बात पूरी तरह प्रूव हो जाती है कि अगर आप लिख कर प्रैक्टिस करते हो तो आपकी याददाश्त इंप्रूव होती है। अगर आप परफॉर्म करते हो, कोई चीज लिखते हो या उसको बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ट्राई करते हो, तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छे से स्ट्रांग होती है और आप उस चीज को ज्यादा देर तक रिटेन कर पाते हैं। आप समझ में आया क्यों कहा जाता है कि बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो? साइंटिफिक बेसिस पे मैंने आपको यह समझाया। मैंने एक वीडियो और अपलोड करी है मिस्टर वरद राज की, उसमें भी यही चीज है। देखा जाए तो दोनों का सार यही है, अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिख कर कीजिए, वो याद रहेगा, उसे आप भूलेंगे नहीं। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ही मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।